जाके सुन। हाँ जी। ये तारा देवी माँ का मंदिर किधर? वो सामने वाली पहाड़ी पे। जय माता दी। असला आ गया है। राणा की मौत उससे उतनी ही दूर है जितना मैं उससे दूर हूं। नहीं काके, जल्दबाजी में किया गया हर फैसला बने हुए काम को बिगाड़ देता है। मत बोलो, यह हमारे लिए आखिरी मौका है। जय माता दी। होटल बाबा, रूम नंबर 102, पैसे लेकर पहुंचो। जी बोलो मालको। इस गाड़ी की ब्रेक, फ्यूल पंप, गियर बॉक्स और कार्बोरेटर उन्हें ठीक कर देने हैं जी। ठीक नहीं जी, खराब करने हैं। जोर लगा के, दम लगा के, जोर लगा के। चाहो तो इस गाड़ी को बाद में ठीक कर देना। ट्रायल के लिए हम कोई और गाड़ी में चले जाते हैं अभी इसी वक्त। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो कहते क्यों नहीं? सामने देख के चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, एक्सीडेंट से कौन डरता है? जान जाएगी भी तो तुम्हारी बाहों में। नाउ से यू लव मी, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं बोलोगे ना? तुम जानते नहीं मुझे, मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगी। से खेल रही हो, जल जाओगी। जला दो मुझे, मैं जलना चाहती हूँ। पागल हो? तुम्हारे प्यार में मेरे सीने में दिल नहीं, पत्थर है। मैंने पत्थरों को भी पिघलते हुए देखा है बादल। टूट जाओगी। मंजूर है। क्यों अपनी जिंदगी को मौत से बात रही हो? मेरी जिंदगी तो तुमसे है बादल, अगर तुम ही नहीं तो मैं जिंदगी का क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। जागते रहो।
जागते रहो, जागते रहो। मेरी गुड़िया की शादी राजकुमार से होगी। देखो ना वीर जी क्या कह रहे हैं। हाँ मेरा शेर पुत्र। देखो ना वीर जी। कौन है माँ? कौन है माँ? जवाब क्यों नहीं देता? छोड़ना बचाई। मैं गोली मारूंगा। मार दे भाई। अगर मुझे गोली मारने से तेरा दर्द कम होता है तो भले ही मार दे। मैं क्या, कौन है जी? कोई नहीं भलिए लोके, अपना ही बिछड़ा भाई है जी। पूछिए, भूखे हैं तो रोटी ला दूं। इसमें पूछना क्या है? रोटी खिलाए बगैर थोड़ी जाने देंगे। मैं अभी लाई। एक बात तो बता यारा, तेरी माँ को पता है कि तूने उसके दूध के बने खून को पानी की तरह बहा दिया? ठहर जा एक मिनट। तूने अपने मुकद्दर पर बंदूक की गोली तो खुद ही लिख ली है, लेकिन गोली खाने से पहले ये रोटी खा लेना। ले जा, जा। उसे किसी ने अपने घर में छिपा लिया है, उसे हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूं। अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो उस आतंकवादी के साथ साथ पूरे गांव को इसकी सजा मिलेगी। जनाब, जनाब, मैं इस गांव का सरपंच हूं। इस गांव में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करता है। अगर आप चाहें तो आप खुद एक एक घर की तलाशी ले सकते हैं। हट साले, मैं तेरे बाप का नौकर हूं जो जाकर खुद ढूंढू? जाकर ढूंढ, वरना तुम सब मारे जाओगे। कैसे मारे जाएंगे? जंगल राज है क्या जो मारे जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट हो, सर्वेंट बन के रहो, मालिक ना बनो। कानून हम भी जानते हैं साले। मुझे कानून से खरा है। ऐसी गलती ना करना जनाब। जाओ जाओ, सब अपने अपने घर जाकर सो जाओ। जाओ जनाब। महेंद्र, इस पूरे गांव को आग लगा दो। चूहा अगर कहीं छिपा होगा तो बाहर निकल आएगा। आग लगा दो गांव में, और जो भी बीच में आए मुंह डालो। सुबह 10 बजे फरीदाबाद के न्यू सिटी बैंक को कुछ आतंकवादियों ने लूट लिया है। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी है। हां भाई सिंगा, बोर्ड पे ध्यान रखा हीरो, बाज कहेगा चीटिंग होगी। मित्र चाप लाई यार, चाय तैयार है ले। ओ जी खुश की तई, ले चाय पकड़। बारे में कोई सूचना मिले ओए राजे तलाक करे। वीर जी मुझे डर लग रहा है। वीर जी मैं ओए बंटी, मुझे नहीं डर। सारा दिन रुक जाने आप खेलते रहते। चल जल्दी कर दो, कितनी बार आना है। राजे क्या सोच रहा है? कैसे रोक लगाई जाए? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं DIG जयसिंह राणा।
एजी साहब, जनता की शिकायत है कि कुछ मासूम लोगों ने पुलिस के जुल्म से घबरा कर हथियार उठा लिए और आतंकवादी बन गए। आपकी क्या राय है? ये सरासर झूठ है, बकवास है। हाँ, मैं पूरे पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने अपने 23 साल के करियर में आज तक कभी किसी निहत्थे के ऊपर हाथ नहीं उठा। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हजारा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मैं बाप में लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी 4 साल की लड़की आग में जलकर राख हो गई। मैं क्या करूं? कैसे लगी आग? ये आग कैसे लगी? अब क्या बताएं हुजूर? 6-7 आतंकवादी इस घर में छुपे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरी बस्ती में आग लगा दी। आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन साथ में बस्ती के 4 लोग भी मारे गए। ये कैसा इंसाफ है सरकार? हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, अब तो एक ही रास्ता बचा है, हम अपना कारोबार छोड़ के कहीं और चले जाएं। कहीं नहीं जाएंगे आप, ये घर आपका है, ये जमीन आपकी है, ये मिट्टी आपकी है, अपनी माँ को छोड़ कर जाएंगे आप? बंद कर अपना भाषण। ये जमीन हमारी है, ये मिट्टी हमारी है। अगर ये मिट्टी हमारी है तो हमें यहाँ जीने क्यों नहीं देते चांसे? तू उस वक्त कहा था जब इसी मिट्टी से बने इंसानों को मिट्टी में दफन किया जा रहा था। हमारी आंखों के सामने हमारे अपने जलकर राख हो गए। तूने कभी अपनी औलाद को जिंदा जलते हुए देखा है? है? मैंने देखा है, मैंने देखा है। अरे, एक माँ अपने बच्चे को मरने के बाद भी जलते नहीं देख सकती, और मैंने उसे आए उसके बदले मैं क्यों नहीं मर गई? मांजी, मुझे मारिए, मुझे और मारिए मांजी। अगर मुझे मारने से आपका थोड़ा भी गम दूर होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तू मेरा दर्द कम करना चाहता है ना, तो उन्हें क्यों नहीं समझाता? छोटे छोटे बच्चे हैं, हथियार उठाए घूमते हैं, क्या चाहते हैं वो? क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं? तू उन्हें समझाएगा ना? मैं वादा करता हूँ माँ जी, मैं उनके पास जाऊंगा। हमारे अपनों के पास जो किसी वजह से हमसे नाराज हो गए हैं, रूठे हुए भाइयों को मनाऊंगा, और जब तक वो अपने घर वापस ना लौटे, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। सत्य प्रकाश जी, मेरी राय में इन आतंकवादियों से बात करने या उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ने की सलाह देने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्हें गोलियों की भाषा के अलावा और कोई भाषा समझ में आती ही नहीं है। आप अपनी पदयात्रा का फैसला बदल दीजिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि इन्हें कैसे ठीक किया जाता है। ये हमारा काम है, हमें करने दीजिए। डीआईजी साहब, आपका काम मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं। सारी बस्ती जलकर राख हो गई, 4 मासूमों की जान गई, 7 पुलिस वाले मारे गए, कई लोग घर से बेघर हो गए, दहशत फैली हुई है चारों तरफ। सत्य प्रकाश जी, 6 आतंकवादियों को हमने मार गिराया है, ये शायद आपको मालूम नहीं। आज के हादसे के बाद 50 आतंकवादी और पैदा होंगे, ये शायद आपको मालूम। तो आप ही बताइए हम क्या करें। आप कुछ नहीं करेंगे, जो करना है हम करेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये जनता हमारी है। क्या ये सच है कि देश की शांति के लिए आप पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं? हाँ सर, आपको लगता है इससे सुधार होगा? किसी न किसी को तो कोशिश करनी होगी। लेकिन सर, इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। कल किसने देखा है? सर, क्या आपको विश्वास है कि आतंकवादी आपकी बात मानेंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे? एक विश्वास ही तो है मेरे पास, अगर एक भी आतंकवादी आत्मसमर्पण करता है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा।
तू भी अपने साथियों के साथ मर कम गए। राणा की मौत से पहले मुझे मौत नहीं आ सकती। तू जानता है मंथा, मेरे साथियों को मारने वाला कौन था? वही हत्यारा जय सिंह राणा। अगर मुझे पता होता उस पुलिस पार्टी का लीडर राणा है तो साले को मैं वही दफन कर देता। वही सब कुछ खत्म हो गया है राजे, तू राणा के बारे में भूल ही जाए तो अच्छा है। क्या क्या भूल जाऊं? ये भूल जाऊं कि मेरा एक बाप था जिसे भगवान ने नहीं राणा ने मौत का कफन पहनाया? ये भूल जाऊं कि मेरी एक मां थी जिसका दूध आज भी मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा है? ये भूल जाऊं कि मेरी बहन ने मेरी कलाई पर राखी बांधते वक्त मुझसे कसम ली थी कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा? ये भूल जाऊं कि जिस उम्र में इन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे उस कमीने ने ये बंदूक थमा दी? राजे, तू तो राणा की मौत का दीवाना हो गया है। दीवानों के आगे तो भगवान की भी नहीं चलती। मैं क्या चीज हूं? डीआईजी राणा इस वक्त सत्य प्रकाश जी की सिक्योरिटी का इंचार्ज है, इसलिए उसके साथ काफी सारी पुलिस फोर्स होगी और आसपास बहुत सारे मासूम लोग भी। लेकिन जैसे ही पदयात्रा सुंदरनगर पहुंचेगी, पुलिस और राणा दोनों रिलैक्स हो जाएंगे और तेरा काम भी आसान। ये बैंक के लूट के पैसे मैं असले के डिलीवरी का बंदोबस्त सुंदरनगर में ही करता हूं। और हां, मैं तुझे एक चिट्ठी भी दूंगा दयाशंकर के नाम पे, वो तेरे रहने का बंदोबस्त कर देगा। Driver uncle, baby petrol का पाइप फट गया। Oh great, you had it already. Woo! मैं कुछ समझा नहीं बेटी। मेरा मतलब है आप कार ठीक करा के घर चले जाना, मैं किसे लिफ्ट लेके घर आ जाऊंगी। ओके लिफ्ट? Yo, where there's a will there's a way and there comes the bus. Woo! Hey, stop. Sorry. Excuse me, can I? Please. आप जरा धर्मेंद्र से जितेंद्र हो जाएंगे? आई मीन हाईवे से सबवे, प्लीज। ओके थैंक यू। लगता है कल रात सोए नहीं। ओए पाजी, क्या कुड़ी हैगी, कमाल है जी कमाल, वाकई कमाल है, बाप रे बाप यार। आज नसीब बहुत चंगा हैगा, एक और आ गया। अबे अबे नसीब तेरे फूटे अबे वो पेट से। आप प्लीज मेरे सीट पे बैठ जाइए। थैंक यू। क्या वाले, मैं बैठ गया तो मैं बैठ जाता हूँ। जा ये सीरियसली खाली की बहन जी आप बैठ सके। और आप? हाँ मां मैं, ओ मेरे मलाई भी टोनियो। इडियट्स, डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर वुमेन? ओए अपर जपर ना कर, वरना अभी जोगन मना दूंगा। अगर तुझे इतना ही है तो बैठ जा मेरी गोद में। अरे पेट से आंटी है ना, बिठा ले इसको साइड में। क्यों भैया? वाह क्या बात है, यू उठाया यू मारा कांच टूटा बंदा बाहर, दूसरा आया यू पटका कांच टूटा बंदा बाहर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाय आई एम रानी। अरे ये तो फिर सोचो, दिस इज सुंदर नगर। एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है ये शाही थिएटर का है? मुझे नहीं मालूम, मैं शहर में नया हूँ। लेकिन मैं शहर क्यों, मुझे सब कुछ मालूम है। जब तुम्हें मालूम है मुझसे क्यों पूछ रही हो? बाय द वे आई एम रानी, मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। दोस्त ऐसे ही, अपना नाम तो बताते जाओ। बाय द वे वो क्या है? वो हमारे सिटी का टाउन हॉल है और टाउन हॉल के पीछे है माल रोड। माल रोड में है केडी स्टोर। केडी स्टोर इस शहर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर। एंड बाय द वे दैट्स माय ग्रैंड। ओए बिना नाम बताए चला गया। पहाड़ा वाली ए, ओ मेहरा वाल। हाँ जी जी, मैं सानेवाल से आया हूँ।
ओ जी, आप सानेवाल से आए हो या गढ़वाल से? पहले ये बताओ कि आप हो कौन, किससे मिलना है? जी, दयाशंकर जी से। तो मिलो। आप दयाशंकर जी हैं? और नहीं तो क्या, मैं आपको सुष्मिता सेन दिखाई देता हूँ। जी नहीं, मेरा मतलब। अजी, बोल तो दिया कि मैं ही दयाशंकर हूँ, अब पूरे मार्केट वालों से गवाही दिलवाऊं क्या? ये चिट्ठी आपके लिए। ओए, नहीं पढ़नी। देखिए, अगर आप चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत? ओए, दयाशंकर के होते हुए कोई भी मुसीबत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अपने बादल का। आप जानते हैं मुझे? बच्चे, मैं तुझे ही नहीं जानता, तेरे इस बोरे में क्या है ये भी जानता हूँ। कैसे? सवेरे सवेरे मंथावीर जी का फोन आया था दिल्ली से। ओए, तू अपनी दर्शन पाजी की मौसी की चाची की जेठानी की देवरानी की मामी का छोटा देवर है ना। उन्होंने ये भी बताया कि तू कारीगर नंबर वन है। आपने तो मुझे टेंशन में डाल दिया था। बच्चे, ये मजाक करने की ना मेरी बड़ी पुरानी सी नई आदत है। बता, वो हिंदुस्तानी क्या जो हंसते हंसाते ना जिए? दे ताली। चोर, 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 ओ, मेरा पास, मेरे पैसे, अरे कोई चोर से मेरे पैसे लिए। चोर, चोर, अरे कोई रुको से मेरे पैसे, मैं पास लेके हूँ। चोर, चोर, ए, रुक जाओ। अरे उसे रोको। दयाशंकर, पकड़ो इसे। रुकते नहीं तो गोली मार दूंगा। शाम सिंह, चोरी करते हो? बस सिर्फ इतने से रुपयों के लिए? साहब, ये मेरा पर्स है, मेरे पैसे। आपका पर्स है ये? जी साहब। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू वेरी मच। क्यों बे? मैं चोर नहीं हूँ सर, मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। नहीं सर, मेरे एग्जाम फी की आज आखिरी डेट है सर, उसकी फीस जमा करानी थी सर। अगर सर आज फीस जमा नहीं कराओगे तो मेरा भविष्य तबाह हो जाएगा सर। कितनी फीस है तुम्हारी? 1200 रुपए सर। साहब सिंह, छोड़ दो इसे, ये लो और सीधे कॉलेज जाओ, समझे? बस बस बस, ठीक है ठीक है, हाँ जाओ। सुनो, जिंदगी के इम्तिहान में उठने के लिए कभी भी अपने आप को मत गिराओ, समझे? जाओ। साहब जी, आपने उसे छोड़ दिया, उसे तो सजा देनी चाहिए थी ताकि दोबारा वैसी हरकत ना कर सके। सजा इंसान के माथे पर मोहर लगा देती है कि वो चोर है, और उसके बाद वो बड़ा गुनहगार बन जाता है। साहब सिंह, हमारे हिंदुस्तानी बच्चे बंदूक की गोली से नहीं बल्कि मीठी बोली से मर जाते हैं। आई एम सॉरी सर। शाबाश, आज तुमने एक बेगुनाह की जान ही नहीं बचाई बल्कि एक पुलिस ऑफिसर को गुनाह करने से बचा लिया है। थैंक यू। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं? जी भाई साहब, ये अपना ही बच्चा है, अपने गांव का। सानेवाल का? हाँ जी, दरअसल ये मेरे बड़े दूर का रिश्तेदार है, वो अपने हरनामों का देवर। हाँ? हाँ, मगर पिछले 10 सालों से अपने गांव का होकर रह गया है। अब हाथ पैर निकल आए हैं ना, तो काम के वास्ते इधर आ गया। दिन भर दुकान में काम करेगा, फिर पैर फैलाकर यहीं सो जाएगा। वेरी गुड। सानेवाल जी। ओए दयाशंकर जी। भाई साहब, तू कहाँ का रहने वाला है? आपके गांव सानेवाल का। और ये लड़का कहाँ से आया? ये भी सानेवाल से आया है। ओ सॉरी यार, जब तू मेरे घर में रह सकता है तो ये क्यों नहीं रह सकता? भाई साहब, बात तो आपने बड़े पति की है, 2 ताली। उई, उ, उई। हाँ भाई, बढ़िया, चल सामान उठा अपना और आजा। जी मैं। जी जी, क्या हा? नाम क्या तेरा? जी बादल। बादल? ओए, इतना बड़ा बादल होकर शर्म से सिमट क्यों रहा है तू? चल आजा, आजा, आजा। चल, ले सामान ले। अरे अरे, क्या हुआ? पापा देखो ना, मैं फोन पे बात कर रही थी, इसने वायर खींच दी। क्यों? नहीं पापा, इसमें आधा सच है आधा झूठ है। दीदी जीजा जी से बात कर रही थी, मैंने कहा मुझे फोन तो नहीं दिया, इसलिए मैंने वायर खींच दिया। अच्छा? नहीं तो खींची नहीं। ओहो, फाइटिंग, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और देखो तो हमारे घर कौन आया है। मैं कह जी, कौन आया है? देखो तो, ये है बादल। नमस्ते। आज से हमारे घर पर ही रहेगा। और बादल, ये है हमारी बड़ी बेटी सोनी। हेलो। फाइनल ईयर में पढ़ रही है, थोड़े ही दिनों में शादी करके अपने घर चली जाएगी हमें छोड़कर। पापा, लेकिन मैं इस घर को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में हूँ। बाय द वे, मेरा नाम है मनप्रीत, बट यू कैन कॉल मी प्रीति। सेंट्रल स्कूल में पढ़ती हूँ और कंप्यूटर सीख रही हूँ। आपको कंप्यूटर आता है?
नो प्रॉब्लम, मैं सिखा दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी ही मैन। That's cool. प्रीति को मालूम है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। मुझे तो शैतान नजर आता है, चुप कर। वेलकम जी, वेलकम, वेलकम जी आयनु। क्यों, कैसा लगा घर? अच्छा, लेकिन लेकिन का क्या मतलब? जी मैं गैरेज में रहूं तो अच्छा होगा। क्यों, इस घर में क्या बुराई है? अच्छा खासा बंगला है, बढ़िया खाना और सारा ऐशो आराम है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने बड़े पुलिस अफसर के घर में न चोरी की चिंता न रहने का डर, ऊपर से शहर के लोग इज्जत अलग से करेंगे। ओ पुत्र, मैं तो कहता हूँ कि पूरे सुंदरनगर में इससे बढ़िया ठिकाना तो हो ही नहीं सकता जीने के लिए। दे ताली। घर में एक जवान बेटी है और आप एक अजनबी को उठाकर घर में ले आए। ओए सोनी, वो अजनबी नहीं है, वो दया शंकर का रिश्तेदार है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उसी गांव से आया है जहां मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो पूरा गांव ही उठाकर घर में ले आओ, मैं अपनी बेटियों को लेकर मायके चली जाती हूँ। ओए मेरी हिटलर नहीं है, तू चाहे तो मेरी डिमोशन कर दे, एसीपी से कांस्टेबल बना दे, लेकिन मैके जाने की धमकी मत दी अगर मेरा दिल बैठ जाता है। ए जी, बहुत हो गया नाटक, खाना तैयार है, आपके उस गाँव वाले को बुला लाओ, जाओ। तू तो खामखा उस लड़के के लिए परेशान है। पता नहीं जी, उसे देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। हा? उसकी आंखें देखी आपने? हा? कितनी खामोश है ना। और मेरी आंखें देखी है तूने, कितना शोर मचा हुआ है इनके अंदर, एक मीठी सी पप्पी तो दे दे। मदर, सोए नहीं अभी तक? जी, यहाँ रात को अक्सर ठंड बढ़ जाती है, ये कंबल रख लो वरना सर्दी लग जाएगी। जी मैं जाता हूँ, गुड नाइट। पागल हो गया क्या? आतंकवादियों को समझाएगा? तू खाम खा घबरा रहा है यार, कुछ नहीं होगा मुझे, आतंकवादी भी मेरी और तेरी तरह इंसान है। एक बात कान खोलकर सुन ले, सुंदर नगर पहुंचने के बाद मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा, वो इलाका बहुत खतरनाक है। अच्छा ठीक है, बाकी बातें मिलने पर होगी, तू अपना ख्याल रखना। ओके। क्यों साहब सिंह, आज सुबह सुबह कलेक्टर साहब ने पदयात्रा के बारे में किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए आपको बुलवाया। ओह माय कॉलेज। सॉरी बेटा, एक काम करो, आज तुम पदयात्रा करती हुई चली जाओ। बादल जी, एक काम करोगे, जरा सोनी को कॉलेज तक छोड़ाओगे? जी। ऐसा करो, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ और वापसी में इसका क्लच और ब्रेक भी चेक करवा लेना। मुझे गैरेज खोलना है, मैं चलता हूँ। ओए मकना, हम लोग मर गए थे क्या? प्लीज आप घर चले जाइए। लेकिन ये रोज की बात है, हम लड़कियों को ऐसे कमेंट सुनने की आदत पड़ जाती है। अगर ये हर रोज होता है, तुमने इसकी शिकायत अपने पिताजी से क्यों नहीं की? क्या फायदा, पिताजी उठाकर इन्हें थाने में बंद कर देंगे, अगले दिन ये फिर बाहर होंगे, कोई मिनिस्टर का बेटा है तो कोई MLA का, खामखा मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी, और फिर तुम क्यों इतना परेशान होते हो? तुम तो मुझे रोज छोड़ने नहीं आओगे ना? हाय सोनी। हाय रश्मि। आज तो इन लड़कों ने बदतमीजी की हद कर दी। चलो। ये मेरी मम्मी के वास्ते, ये मेरे बड़े भाई के वास्ते, ये मेरी छोटी बहन के वास्ते। मैं किसके वास्ते? तुम बिल देने के वास्ते। तेरा तो। हाय मार गए, मुंडा मार गया। हाय, मेरी बीवी को मुंडा मारता है? शर्म नहीं आती है? We are on honeymoon, understand? We came today. Say sorry for tractor. रहने दो गुलेची, बड़ा सोना मुंडा है, बिल्कुल धर्मेंद्र जैसा। ओए तू हनीमून बनाने आई है, मुंडे देख रहे आई है? ए सोना मुंडा तो मैं गुंडा, ए किधर गया है? ए देखा डर गया, जानता नहीं मैनू। रहने दो, आप क्या, मैं अच्छी तरह से जानती हूं। की जान दी है? मुझे जान दी है? तेरा बाप ज्योतिष है? मेरे बाप पे नहीं जाना। ओए पंगा ना ले मेरे साथ। क्या कर लेगा तू? लड़ेगी मेरे साथ? हां लड़ेगी। हां You want to fight with your husband? Fight with my husband. On sadak? On sadak. मैं आदमी सड़क का? हाँ। अच्छा? हाँ। क्या लड़ेगी तू? पन
जा। लड़ा पंजा फिर तो। ले फिर। ले। लगा जो। क्या हो गया? हार गया? हार गया। मैं हार गया? आहो। ओ चल होटल फिर तेरे को जीत के बताता हूँ। चल। उठा उठा। This set is nice. Oh my God! Yes sir. Hi, I'm Rani. आज तो आपको आपका नाम बताना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? Everready. Everready? ये नाम है? मुझे एक Everready टॉर्च चाहिए, बड़ी वाली। देखिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। You know it's my shop. मुझे एक हुक और 30 फुट लंबी रस्सी चाहिए, जो कम से कम मेरा वजन उठा सके। देखिए, आपको टॉर्च मिलेगी, लेकिन हुक और रस्सी नहीं। ठीक है, मैं और कोई दुकान से ले लेता हूँ। अरे सुनिए सुनिए ना, अगर आप इतनी इज्जत कर रहे हैं तो हुक और रस्सी भी ले जाइए, लेकिन अपना नाम तो बताते जाइए। कम से कम मुझे ये तो पता चले कि हमारी रस्सी से खुदकुशी करने वाले का नाम क्या है। क्यों, शादी करनी है? पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है। फोटो भी दे दूं क्या? नहीं, आप फिलहाल बिल दे दीजिए। हाँ ओके चलेगा। हाँ रश्मि बोल, तू अब तक जाग रही है? अरे मैं क्या, सारा गर्ल्स हॉस्टल जाग रहा है। जानती है उन चार गुंडों का क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने हॉस्टल में आकर उनकी इतनी पिटाई की कि बेचारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। What are you talking? तूने अपने डैडी को बोलकर उन गुंडों की पिटाई करवाई होगी। बहुत अच्छा किया। तो सुन रही है ना? हेलो सोनी, तुम हॉस्टल से आ रहे हो ना? हॉस्टल? कौन सा हॉस्टल? मुझसे बनो मत, मुझे सब पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? तुमने उन लड़कों को इसलिए पीटा ना, क्योंकि उन्होंने मुझे बुरा भला कहा था। मैं तुम्हारे लिए किसी को क्यों पीटूंगा? तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? तुम्हारे हाथ से खून बह रहे हैं। बहने दो। खून किसी का भी बहे, दर्द सभी को होता है। अपनों के लिए होता होगा, परायों के लिए नहीं। पट्टी बांधनी है मुझे। आज इस हाथ पे पट्टी बांध रही, कल इसी हाथ पे राखी बांधूंगी भैया। आज सुंदरनगर के एनुअल स्केटिंग कंपटीशन के अवसर पर जीतने वाले कैंडिडेट को हमारे माननीय कलेक्टर साहब इनाम देंगे। अब देखना यह है कि वो भाग्यशाली विजेता कौन है।
रही थी। मैंने कहा दीदी को जिता दो, तो बादल भाई ने कॉइन रोल करके उसको गिरा दिया और तुम जीत गए। क्या, कितनी शर्म की बात है। ऐसे जीत से तो मैं हजार बार हारना पसंद करूंगी। Excuse me. Yeah? Bye. Hi. Congratulations. थैंक यू, पर इस इनाम की असली हकदार तुम हो। नहीं नहीं, मैं तो गिर गई थी। तुम गिरी नहीं थी, तुम्हें गिराया गया था। What? वो मेरे भैया है ना, उन्होंने। तो ये तुम्हारे भैया है। भैया इधर आइए, चलिए इनसे माफी मांगिए। Everything is fair in love and war. Come on, yeah. दीदी, could I have a cold drink, please? प्रीति, रुक जाओ। I'm sorry. मैं फिर से गिरने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम संभालने के लिए तैयार हो। ओए, अब तो अपना नाम बता दे, वरना मैं माफ नहीं करूंगी। बादल। मदद से सारा असला उठा कर लाओ। यस सर। सलाम राणा साहब, सलाम। आओ उसकर। सलाम वालेकुम। उठाओ अपना सामान। ओ रफीक बच्चा, चल उठा ले जरा जल्दी सामान। चलो बाबा, चलो, चलो। राणा साहब, हमारा वादा के मुताबिक कल सुबह तक तुम्हारा पैसा तुम्हारा बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। नहीं इसकर, आजकल मैंने हिंदुस्तान के सारे बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। यह है मेरे स्विस बैंक के अकाउंट का नंबर, इसमें जमा करवा देना। हो,
ओ रफीक, एक पेटी छोड़ दो, कुछ तो सरकारी खाते में जमा करना पड़ेगा। अच्छा चलता है, खुदा हाफिज़। चलो इस लिस्ट को ध्यान से देख ले, ये पूरा असला 15 अगस्त से पहले चाहिए। इतना असला पूरा शहर को उड़ाना है क्या? मैंने तो सुना था कि अजगर शिकार निकलने के बाद सो जाता है, मरने वाले की जन्मपत्री नहीं देखता। ओए तेरा बातों में तेवर है भाई। डिलीवरी यहाँ पर नहीं, सुंदरनगर में चाहिए। सुंदरनगर में? और पैसा? अरे मिल जाएगा, असला मिलते ही तेरा पैसा भी मिल जाएगा। सिमरन जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ, आई। वो लोग सोनी कर रहे होंगे। हाँ, तुझसे कहा था ना नहाने से पहले कपड़े छत पर सुखाने के लिए रख के आना। तुम सुखा दो ना। अरे बाबा, शादी की तारीख पक्की करने जा रहे हैं, पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। चल। अरे बीना, ये कपड़े भी सुखा दे। अच्छा बीबी जी। तुम छत पर क्या कर रहे हो? ये जी कुछ नहीं। तुम्हारे लिए हो या मैं अकेले जाऊं? जी आई, जल्दी वापस। चल भाई, देर हो रही है। हाँ माँ। अब सोच क्या रही है? चल। चलती हूँ। बैठ बैठ। हाँ। ओके। छोटू जी, ये बादल कहाँ घूम गया आज? पता नहीं जी, आज सुबह से नहीं आया। बर्बाद हो गया, मैं बड़ा परेशान हूँ भाई जी। ओ भाई साहब, आपकी परेशानी अभी दूर किए देते हैं। आपकी गाड़ी कहाँ है? ओ मेरी गाड़ी? हाँ? क्या मेरी गाड़ी तो छूट गई भाई साहब। छूट गई? हाँ, मेरी नई नई शादी हुई, इस शहर में नया आया हूँ। आज पहली बार नहीं मूड मनाने चला आया था। पता नहीं मेरी बीवी किधर गुम होगी, बड़ा परेशान में यार। ओ भाई साहब, अगर आपकी बीवी गुम गई है तो आप मेरे गैरेज में क्यों आए? ओ यार, मेरी बीवी बड़ी भोली है पाजी, किधर लिप दिया होगा गाड़ी में, बैठ गई होगी। अब गाड़ी खराब भी हो सकती है, ठीक ठाक कराने इधर आया होगा, उस हिसाब से आया हूँ। बड़ा परेशान हूँ भाई साहब। देखो भाई साहब, अगर आपकी गाड़ी खराब है तो मैं ठीक कर सकता हूँ, मगर ये आपकी बीवी का मैं क्या करूँ जी? मैं वो यार, गाड़ी में बीवी में क्या फर्क है यार? वो चलते चलते गाड़ी बिगड़ जाती है, बैठे बैठे बीवी बिगड़ जाती है। तो फिर पार्ट कौन सा खराब है ये तो बताओ। अरे पार्ट क्या, पार्ट की बात करो, नई नई शादी हुई, पार्ट की बात करो। तुम्हारा दिमाग खराब है, एक तो मैं परेशान हूँ, ऊपर से दिमाग खराब करो तुम। वो देखो भाई साहब, आपकी अगर बीवी गुम हो गई है तो पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करो ना। ओए पुलिस स्टेशन में जाओ तो तरह तरह के सवाल करते हैं, तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई, किधर हुई है, कैसे हुई है, दिखने में तुम्हारी बीवी कैसी है, काली है, गोरी है, बैठती कैसी है, चलती कैसी, हजार सवाल करते हैं। दिमाग तुम्हारा एक ही है ना। ओ भाई साहब, आप सिर्फ इतना बताओ कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अच्छा आप पता लिख लो भाजी। हाँ बताओ, पता बताओ। इंडिया मोस्ट वांटेड दिल्ली। बिल्लो की आवाज है। बिल्लो, बिल्लो तू कितने है? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बिल्लो कर गई, पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन? और नहीं तो क्या, गुम होना था तो हनीमून मना के गुम होते। लो पहली बार मैं गुम हो गया। सॉरी पर ट्रैक्टर यार, मैं कंफ्यूज हो गया। लो पकड़ो। आज की बार है पाजी? आतवार है, लगता है होटल जाके वर्ल्ड बार है। अब चलो। आज तो हमें बड़ी खुशी हो रही है सिमरन, कि हमारी बेटी की शादी की तारीख पक्की हो गई है, लेकिन कल हम बहुत रोएंगे जब हमारी सोनी हमसे विदा होकर अपने घर चली जाएगी, है ना सिमरन? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे बड़ा डर सा लग रहा है जी। डर? डर किस बात का? वो जो लड़का है ना। हाँ? हमारे घर में। हाँ? वो कहीं हमारी बेटियों को कुछ। तुम तो खामखा परेशान हो रही हो सिमरन, बादल अपना ही लड़का है, दया शंकर का रिश्तेदार है, वो दुकान पर ही होगा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। दया शंकर, बादल कहाँ है? पता नहीं भाई साहब, वो तो सुबह से ही काम पे नहीं आया। चलिए जी, जल्दी घर चलिए। अच्छा क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है सिमरन? पापा हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, बादल भैया पूरे घर को डेकोरेट कर रहे थे पार्टी के लिए। पर ये खून कैसा? मम्मा ये तो पेंट है।
मैं वेडिंग एनिवर्सरी का बोर्ड बना रही थी, इसने शरारत की तो शर्ट पे लग गया। और वो गोली की आवाज, वो तो मैं टीवी में फिल्म देख रही थी। और आपने बादल भैया को क्यों मारा? मैं अपनी भूल के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूं, पर हूं तो माँ जैसी। माँ से भी भूल हो सकती है ना, मुझे माफ कर दो बेटी। ओए लाले दी जान, तूने इतनी रोशनियां की हैं तो मेरी जुगनी को दिखाएगा नहीं? जुगनी जुगनी, ओए होए जुगनी जुगनी, होए जुगनी।
से इंतजार कर रही हूँ। ये बादल अब तक आया क्यों नहीं? इन हवाओं में, इन पहाड़ों में तुझको तेरा सरदार पुकारे हो। कितना सुना लव पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जिधर लैला ने मजनू के साथ, हीर ने रांझा के साथ, जूलियट ने रोमियो के साथ गई। और टाइटैनिक की हीरोइन ने अपनी टेक्निक के साथ सुसाइड कर ली है। खुदकुशी की थी। ये खुदकुशी क्या होती है? खुदकुशी जो अपनी खुद की खुशी से नहीं होती है ना, उसको खुदकुशी बोलते हैं। अच्छा, सुसाइड? सुसाइड कुछ लोग सोकर साइड हो जाते हैं, कुछ लोग बगैर सोए साइड हो जाते हैं, वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। लगता है सठिया आ गए गुलेर जी। मैं सठिया आ गया? मुबारक हो, मुबारक हो। सुना है शादी के बाद सारे सठिया जाते हैं, मैं सठिया आ गया कौन सी बड़ी बात है। बिल्लो, बिल्लो, टाइम क्या हुआ है? साइड तो नहीं कर रहे मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? क्या फायदा, क्या फायदा टाइम पूछ के? आज आप टाइम पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा, कुछ देर बाद आप नाम पूछेंगे मैं बता दूंगा, फिर आप मुझसे पता पूछेंगे मैं बताऊंगा, आपसे पूछूंगा आप मुझे पता बताएंगी, मैं आपके यहाँ आऊंगा आप मेरे पास आएंगी, आना जाना बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी, आप मेरे घर आएंगी, मेरी बीवी को शक होगा। लेकिन सरदार जी, मैं तो सिर्फ टाइम पूछ रही हूँ। ओ ऐसा टाइम आ गया, मैं टाइम पे आ रहा हूँ। देखिए टाइम का कोई भरोसा नहीं है, आज ऐसा टाइम आ गया है, दोस्त दोस्त का नहीं है, दुश्मन दुश्मन का नहीं है, हमारा खाते हमारे पे थूकते हैं, बुरा टाइम आ गया है, हर जगह टाइम बम लगे हुए हैं, ये टाइम आ गया, ऐसा टाइम आ सकता है, हम सोच लेकिन सकते हैं। सरदार जी, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज टाइम बताइए ना। देखो मैं जरूर बताऊंगा, मैं कल का टाइम भी बताऊंगा, आज के टाइम भी बताऊंगा, आने वाला टाइम भी बताऊंगा, बहुत बुरा टाइम है। देखिए मुझे आपके टाइम पे तरस आ रहा है, आपका टाइम कितना खराब आ गया, जो मुझसे टाइम पूछ रही है, जिसके पास टाइम ही नहीं है। मैं टाइम कभी पहन का नहीं हूँ, क्या फायदा पहन के, जो अपने साथ नहीं जाएगा उसका क्या पहन के फायदा है। ये मेरी अपनी फिलॉसफी है, मेरी फिलॉसफी सुन के सारे भाग जाते हैं। ओए, मैं वहां पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ कार के नीचे आराम से लेटे हो। लेटा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था। लगता है तुम कोई सपना देखकर आ रही हो। हैं? इसका मतलब ना ही तुमने मुझे कल रात फोन किया था और ना ही तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था। बिल्कुल नहीं। अब तुम घर जाओ, मुझे काम करने दो। काम ही करवाने आई हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसे ठीक कर दो। क्या खराबी है तुम्हारी गाड़ी में? वो मुझे नहीं मालूम, मैं कोई मैकेनिक हूँ क्या? मेरे साथ ड्राइव पे चलो, गाड़ी में क्या खराबी खुद ही जान लोगे। देखो तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, जब गाड़ी सचमुच खराब हो जाएगी तब आ जाना, बात करती है। ओए, ओए। जी बोलो मालको। इस गाड़ी की ब्रेक, फ्यूल पंप, गियर बॉक्स और कार्बोरेटर उन्हें ठीक कर देने हैं जी। ठीक नहीं जी, खराब करने हैं। जोर लगा के, दम लगा के, जोर लगा के। शुक्रिया जनाब। ओए, ओए, कम हियर। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जरा ठीक कर देना। देखो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, अपनी गाड़ी कहीं और ठीक कराओ। नहीं 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 नहीं, मुझे तुमसे ही अपनी गाड़ी ठीक करवानी है। खामखास जिद मत करो। तुम जिद कर रहे हो, तुम जिद कर रही हो, तुम जिद कर रहे हो, तुम जिद कर रही हो, तुम जिद कर रहे हो। तुम अदल? हाँ अंकल। क्यों भाई, किस बात पे झगड़ा चल रहा है? देखिए ना अंकल, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं कब से बोल रही हूँ ठीक करने के लिए, मान ही नहीं रहा है। अरे भाई इसकी गाड़ी खराब हो गई है तो ठीक कर दो ना। अपने केदारनाथ जी की पोती है ये गाड़ी, तो तुम्हें ठीक करनी पड़ेगी। बादल दया शंकर नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? जी वो घर गए। लो आ गया ये। अरे भाई दया शंकर, कहाँ की तैयारी है? बुआ जी की तबीयत बहुत खराब है भाई साहब। अच्छा? हाँ, तार आया था कि फौरन आ जाओ, पता नहीं क्या होगा। आप तो जानते हो भाई साहब, बुआ जी ने मुझे माँ के बाद पाल पोस कर बड़ा किया है। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं तुझे बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ। चल बादल मैं जा रहा हूँ, अब ये दुकान तुम्हारे हवाले है। आप फिक्र मत कीजिए। पता नहीं कब लौटूंगा, चौथा तेरवा उसके बाद श्राद्ध। अरे क्यों उल्टा सीधा सोचता है तू? चल चला, ध्यान रखना दुकान का। बादल रानी की गाड़ी का ट्रायल जरूर ले लेना। चाहो तो इस गाड़ी को बाद में ठीक कर देना, ट्रायल के लिए हम कोई और गाड़ी में चले जाते हैं अभी इसी वक्त। ओए
मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो कहते क्यों नहीं? सामने देख के चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ एक्सीडेंट से कौन डरता है, जान जाएगी भी तो तुम्हारी बाहों में। नाउ से यू लव मी, से यू लव मी, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं बोलोगे ना? तुम जानते नहीं मुझे, मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगी। से खेल रही हो, जल जाओगी। जला दो मुझे, मैं जलना चाहती हूँ। पागल हो? तुम्हारे प्यार में मेरे सीने में दिल नहीं, पत्थर है। मैंने पत्थरों को भी पिघलते हुए देखा है बादल। टूट जाओगी। मंजूर है। क्यों अपनी जिंदगी को मौत से बांध रही हो? मेरी जिंदगी तो तुमसे है बादल, अगर तुम ही नहीं तो मैं जिंदगी का क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। I love you. Yaar, yaar,
रुका के सुन। हां जी। ये तारा देवी माँ का मंदिर किधर? वो सामने वाली पहाड़ी पे। जय माता दी। असला आ गया है। राणा की मौत उससे उतनी ही दूर है जितना मैं उससे दूर हूं। नहीं काकी, जल्दबाजी में किया गया हर फैसला बने हुए काम को बिगाड़ देता है। मत बोलो, यह हमारे लिए आखिरी मौका है। जय माता दी। होटल बाबा, रूम नंबर 102। पैसे लेकर पहुंचो। पापा को फोन किया था? किया था मॉम, लेकिन सिपाही ने कहा कि पापा बाहर गए हैं। इनको तो बस अपनी ड्यूटी के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं। माता जी, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे एक जरूरी काम है। देखो ना दीदी कितनी अच्छी लग रही है, लड़के वाले आए हैं। प्रीति, मुझे जाना है। बहनों से भी ज्यादा कोई जरूरी काम होता है। नए बालू भैया, चलो ना। बालू भैया आओ ना। ये मुंडा कौन है? ये मुंडा मेरा बालू भैया है। चलिए बात ना सही, भाई ही ये रस्म पूरी कर दे। आओ बादल। शादीशुदा आदमी हूँ मैं, आपकी वाइफ को क्यों देखूंगा? ओ, मेरा मतलब ये है, मेरी वाइफ कमरे में नहीं है। तो दूसरे कमरे में होगी। क्या मतलब है? पाजी, आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं। टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में बैठी होगी। टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में मैं मर गया? किसी जनानी के साथ बैठी होगी। जनानी के साथ बैठी होगी, ठीक है। जैसे उसका पता चल जाए तो मेरे पते पे आगे पता कर देना, ठीक है? बोलो तारा रारा। किधर है? इधर है। बोलो तारा रारा। हेलो, कहिए। आपकी बीवी रूम में है? हाँ है, क्यों? तो फिर मेरी बीवी नहीं होगी। बड़ा अजीब कैरेक्टर है ये। जी कैरेक्टर तो औरतों का होता है जी, हमारा तो सिर्फ ट्रैक्टर होता है। और रब रब और डर दी, रब रब कर दी क्या बिल्लो मेरी छुई मुई छुई मुई छुई मुई अच्छी सोना सोना अदल मेरा सोना और फड़ ले कोना कोई और ना होना। ऐसे आप सिर्फ करते ही हो, हनीमून मनाते नहीं। हे हा, चलन जरा फेंकी। आज मैं वो कर दिखाऊंगा जो किसी ने भी ना किया होगा। परफ्यूम लगा के। हाय परफ्यूम, कहाँ है परफ्यूम? हाय सियापा। हाँ जी भाई, दिया। हाय सियापा, ये क्या बदबूदार परफ्यूम ले आए? ओए खुशबू नो बदबू कह रही है। तानू सुकाम हो गया, आप ही सूंघ कर देख लो। और ठीक तो है? आप ही लगा लो, मुझे नहीं लगाना। तेरे बाप ने कभी लगाया परफ्यूम? है? मेरे बाप का नाम नहीं लेना। और तेरी माँ ने लगाई है? मेरी माँ का नाम नहीं लेना। तो फिर किसका नाम लो यार? मेरी माँ का नाम लिया है, फिर मेरे बाप का नाम लिया। और मैं टकले भाई। साला परेशान करके रखा है मुझे। और कौन परेशान कर रहा है यार? एक तो तू बगैर बोले अंदर आ गया, मैं परेशान के तू परेशान। एक तो ये कुत्ते की तरह मेरे को मार रही है। कौन परेशान है यार? 7 साल हो गए हमारी शादी को, बच्चे का पता नहीं है आज तक। कौन परेशान है, मैं या तू? 7 साल से हम नहीं मूड बना रहे हैं, ना मूड का पता है ना हनी का पता है। कौन परेशान है? सुने एक बार अचार सुखाने छत पर गई थी, है मेरी माँ नीचे ककड़ी काट रही थी, इसका पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे गिर गया। इसका कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ का पूरा काम हो गया। मेरे बाप ने सदमे से दूसरी शादी कर ली, उसके 4 बच्चे हो गए, मेरे आज तक बच्चे का पता नहीं है। कौन परेशान है यार? चल मैं तुझे परेशान करता हूँ। बत्ती जला, क्या करूँ? बत्ती जला, खसमन खाने। बत्ती जल रही, बत्ती जल रही। मैंने क्यों होया? और तनु कुट गया।
खंजर घुट गया। मैंनू मारिया, मारिया मैंनू। ओए मारिया, फायर ब्रिगेड बुलाओ। पूरे गुलेर रंगोली से पंगा लिया। हेलो गांधीनगर पुलिस थाना। नमस्ते। क्या झगड़ा हुआ है? जी ऊपर। जी यहाँ हनीमून मनाने आए हो या दंगा फसाद करने? दंगा? हाय सियाप्पा, वे मेरे आदमी को मार मार के नंगा कहते हैं दंगा। ओदी, लेट मी क्लियर यू वन थिंग सर जी, दंगा फसाद तुझे गल कर रहे हो ना, दंगा हुआ था ID4 में, अब तो फसाद होगा जी फसाद। और तू तलवार ले आ क्या? तलवार जने तुझे कितनी मार का तलवार लेके आया? ओके ओके आई सी दैट। लेके नहीं आया वो तो पकड़ रहे हो कांति तेरे तो हैवी रोला पाई जा रही है। पकार गाल सुन, चुप कर गाल नहीं। आप में से किसने सरदार जी से मारपीट की? साहब जी ये लोग शोर शराबा कर रहे थे, बच्चा रोकने गया तो सरदार जी ने मारपीट शुरू कर दी। अरे हम यहाँ बीवी आपस में झगड़ा करें कुछ भी करें, तुम कौन हो? तो बीच में घुसने वाले मुक्का मार दिया, तेरे बाप का मुंह है? यू एंटी शैंटी का फ्लैट है। आप चुप रहिए, बाहर जाइए। ओके ऑल राइट जी, चल। कहाँ से आए आप? लुधियाने से आए हुए हैं। क्या काम करते हैं? हम लोगों का गर्म कपड़ों का काम है, व्यापारी हैं। इस बैग में क्या है? शाल और स्वेटर वगैरह होंगे। हाँ लगता है किसी टेररिस्ट का हाथ है। अरे वो टेररिस्ट थे तो ही तो मारे गए ना। आज तक कभी सुना है आपने ऐसा? अरे ऐसा तो कभी नहीं सुना भाई। अरे इतने दिन हुए हमें यहाँ पर, कभी ऐसा नहीं हुआ है क्यों भाई? अरे वो देखो देखो उस आदमी को लेकर जा रहे हैं। अरे सोनी पुलिस स्टेशन फोन करके पता तो कर, तेरे पापा क्यों नहीं आए अभी तक? अभी फोन लगाती हूं। रहने तो दीदी, मैं ही फोन लगाती हूं। आप फोन लगाओगे तो सीधा जीजा जी के घर घंटी बजेगी। वेरी फनी प्रीति। हेलो गांधी चौक पुलिस थाना, मैं पापा की छोटी गुड़िया बोल रही हूं। साहब जी मैं प्रीतो जी, मैं मेरा मतलब छोटी गुड़िया जी का फोन है। लीजिए। हाँ प्रीति पुत्र। हेलो पापा, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ और आपसे बात भी नहीं करूँगी। लेकिन आप तो हमसे बात कर रहे हैं। अगर आप आधे घंटे के अंदर घर नहीं आए ना तो फिर आपसे कभी बात नहीं करूँगी। देखो बेटा, हमने एक मुजरिम को गिरफ्तार किया हुआ है और हम उससे पूछताछ करके उसके साथियों का पता लगा रहे हैं। पापा उसका साथी कहाँ छुपा है? यही कहीं इसी शहर में छुपा हुआ। मम्मी पापा कह रहे हैं जिस आदमी को पापा ने पकड़ा है ना उसका एक और साथी पकड़ना है, वो यहीं कहीं छुपा है। फोन मुझे दे। हेलो पापा, फोन तो कट गया। इनको तो अपनी सेहत की बिल्कुल फिक्र नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाना दे आऊं? हाँ ये ठीक रहेगा, आओ मेरे साथ। सिर्फ खाना पहुँचा कर मत चले आना, जब तक वो खाना खाना ले वापस मत आना। जी आप फिक्र मत कीजिए। बादल तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं। मेरा मतलब है माता पिता भाई बहन। कोई नहीं। खबरदार अगर ऐसा कहा तो। अरे क्या हम नहीं है तेरे? क्या बोलता है सोनिया, मेरे मखना दे डोनिया, सच के जामा अपने वीर दे। हाउ स्वीट। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, सोच लो और सब कुछ सही सही बता दो, समझे? पकड़े गए ना? थोड़ी देर के लगा कि वाकई पकड़ा गया। अब देखिए ना इस लड़के की शक्ल मुझसे कितनी मिलती जुलती है। अगर मेरी दाढ़ी मूछें होती तो आप मुझे भी अंदर कर देते। तुमने मुझे पागल समझ रखा है? मुझे क्या इतनी भी पहचान नहीं कि आतंकवादी की आंखों और एक मासूम की आंखों का फर्क महसूस न कर सकूं? बोलो कैसे आना हुआ? जी आपके लिए खाना लाया हूं। ओहो, मैंने मना किया था सिमरन को, फिर भी। ये हम पुलिस वालों की बीवियां भी हमसे बड़ी अफसर होती हैं, घर में तो हुक्म चलाती ही हैं, ऑफिस में भी।
ओए बस कर साहब सिंह, बस कर, आके खाना खा ले। उसे कुछ खाने को दिया था? रहने दीजिए साहब जी, साला भूखा रहेगा तो जल्दी बोलेगा। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो लोग मार से नहीं टूटते वो प्यार से टूट जाते हैं। मांगेराम जरा। मैं दे? हाँ ये ले, तू जाके दे दे, जा। अगर रात में ही अपनी असलियत बता देता है तो कल सुबह इसे जेल भेज देना, जाकर 14 दिन का रिमांड ले लेना। मैं चलूं? हाँ तुम जाओ और सिमरन से कह देना कि मैं शायद रात को घर ना लौटूं। साहब जी, आपके घर में शादी का माहौल है, मेहमान वगैरह आए हुए हैं, आप घर जाइए, मैं हूं ना यहाँ। वैसे भी ये साला कौन सा लॉकअप तोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट साहब जी। चल बादल, आज मैं तेरे साथ ही मोटरसाइकिल पे चलता हूँ। तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ला, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ला। आप क्या करते रहते हो? या आप हनीमून मनाने आए हो या दारू पीने आए हो? शराब के बगैर शबाब का क्या मजा है यार। तीन दिन हो गए होटल में जाते ही सो जाते हो। हाय हनीमून भी नहीं मनाते। ओए तू मैनू चैलेंज कर रही है? ले रंगोली नु चैलेंज कर रही है? मुझे गुस्सा आ गया ना, खड़े खड़े और पीऊंगा तो ना हनी का पता होगा ना मून का। बस करो बस करो, ये घोड़ा सुनेगा तो हंसेगा। ये घोड़ा जो तू चने खिला दिए उसको, ये घोड़े से मिला रही है, मैं घोड़ा हूँ। शुक्र करो घोड़ा कहा गधा नहीं कहा। ओए गधा, मैं गधा है कोई यार? अपने मर्द को घोड़ा गधा बोल रही है? सुनिए वालो, है कोई सुनने वाला? ये मेरे को बोलती है गधा। अरे मैं गधा नहीं हूँ, तेरे को बताता हूँ मैं। सरदार जी क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है आपने? मेरी बीवी है ना, मेरे को गधा बोलती है और घोड़ा बोलती है, गलत बात है कि नहीं? है ना गलत बात? बहन जी अगर आप अंधे को अंधा कहेंगी तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या आपका मतलब मैं अंधा हूँ? हाँ। मैंने बुजुर्ग समझ के आपसे पूछ लिया, आप मुझे अंधा बना रहे हैं? भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है। बहन जी इसने बहुत चढ़ाई लगती है, इसको घर ले जाओ। अच्छा तू चल होटल में, तेरे को बताता हूँ घोड़ा हूँ गधा हूँ। नथुराम वेलकम 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 एनसीपी साहब वेलकम। तेरे बाहर का लाइसेंस कैंसिल करवाना पड़ेगा, मालूम है रात के कितने बजे हैं? वो अपने शर्मा जी है ना, देहरादून से टूर्नामेंट जीत कर आए, इसीलिए पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो अपने कलेक्टर साहब भी तो आए हैं। ओ कलेक्टर साहब आओ भाई आओ, जॉइन अस फॉर सेलिब्रेशन। वेल डन बॉयज, वी आर प्राउड ऑफ यू। यू टू डिजर्व अ ड्रिंक रंजीत, तुमने एक टेररिस्ट को पकड़ा है। थैंक्स थैंक्स। अरे खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा नथु जी, एसी भी साथ के लिए ड्रिंक बना के लाओ। ओए जी मालिको, ला 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 ना ना ला ना 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 ना। रंजीत ये जवान कौन है भाई? जी ये मेरा बेटा। इतना बड़ा हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं? नहीं नहीं सूरी साहब, ये मेरा बेटा नहीं है, लेकिन बेटे जैसा ही। अरे तो बेटा ही हुआ ना। ये लो मालिको। Come on, young man, pick up a glass. शर्माओ नहीं। मैं पीता नहीं। रंजीत, लगता है जब तक तुम उसे कहोगे नहीं, वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। ले लो, टोस्ट करने के बाद रख देना। हाँ?
जानते हो फादर, आज मैंने शराब क्यों पी? कलेक्टर साहब ने जब अनजाने में कहा कि तू मेरा बेटा है, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। बबलू याद आ गया। बबलू? हाँ, मेरा बेटा 4 साल का था जब भगवान को प्यारा हो गया। आज वो जिंदा होता तो तेरे जितना होता। अरे यार, मैं ही बोले जा रहा हूं, तू भी तो कुछ बोलना। ले, तो भी एक गिलास पी ले। नहीं सर, मैं नहीं। अरे यार, ये सर सर क्या होता है? तू तो मेरा बबलू है, बबलू। जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो दोस्त बन जाता है। आज मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ पी, 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 पी। बेटा शराब पीकर अपनी माँ के सामने कैसे जाएगा? तूने सिमरन को माँ कहा? माँ को माँ ही कहा जाता है। शाबाश पुत्र, शाबाश। ओए, आज तो तूने मेरी लाइफ बना दी पुत्र, मेरी लाइफ बना दी। बादल, चलो ना सर्किट हाउस चलते हैं। सर्किट हाउस? हाँ, वहाँ पुलिस ने एक आतंकवादी को अरेस्ट करके रखा है। चलो ना उसे देखकर आते हैं। बादल, मैंने आतंकवादी कभी देखा ही नहीं, पता नहीं कैसे दिखते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, लंबे लंबे बाल होंगे, लाल लाल आंखें होंगी, गंदे गंदे दांत होंगे। बादल, बिल्कुल राक्षस लगता होगा ना आतंकवादी। कोई आतंकवादी अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता, ना ही वो राक्षस है, ना ही वो जानवर, बल्कि उनकी रगों में नफरत की सुइयां चुभो चुभो के जहर भरा गया है। आतंकवादी देखना है, अरे एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन कर लावारिस की तरह फेंक देगा इस समाज में। अरे कोई अपनी मर्जी से हथियार नहीं उठाता, मजबूर किया जाता है, मजबूर। जाओ जाओ, जाकर देख कर आओ, लेकिन उसकी लाल लाल खूनी आंखों में उस दर्द को भी देखने की कोशिश करना जिस दर्द के सारे जिंदा रहते वो आतंकवादी। आतंकवादी देख रहा है, आतंकवादी। मैं क्या जी? हाँ, क्या हुआ? वो मर जाएगा सिमरन। कौन? वो मर जाएगा। मैं उसे कमाल की सिक्योरिटी है आपकी। एक आतंकवादी को उसके साथी पुलिस हिरासत से निकाल के ले जाते हैं और आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगते। डीआईजी साहब, ये तो मेरी मुस्तैदी का सबूत है जो जीतराम की लाश आपके सामने पेश कर दी। मुझे लाशों का हिसाब मत दीजिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो उसे उड़ा के ले गई थी। हो ना हो उसके साथ ही इसी शहर में कहीं छिपे हुए हैं, ढूंढ के निकालो ने, वरना ये आतंकवादी इस शहर को शमशान बना देंगे।
सत्यप्रकाश जी आप गलती कर रहे हैं। आप इस गांव में ना ही जाएं तो बेहतर होगा। क्यों? ये गांव हमारे देश में नहीं है क्या? बात ये नहीं है सत्यप्रकाश जी, दरअसल ये खतरनाक आतंकवादियों का गांव है। पिछले 10 दिनों से हमने इस गांव की नाकाबंदी करके रखी हुई है, ना ही कोई इंसान अंदर जा सकता है ना ही कोई बाहर आ सकता है। हमने खाना बिजली पानी सबकी सप्लाई बंद करके रखी है। बिजली पानी बंद करके आपने उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया है बल्कि नमक रगड़ा है। माना कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन उनके गुनाहों की सजा आप उनके बीवी बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तो क्या कह रही, इन दरिंदों को खुला छोड़ दें और इनसे कहें कि जाओ जाकर मासूमों की जान लो? आज जिन्हें आप दरिंदा कह रहे हैं कभी वो भी मासूम थे। कहीं कोई अत्याचार तो हुआ है जो मजबूरन उन्होंने हथियार उठाए। गोली का जवाब गोली सरहद पे अच्छा लगता है, घर के आंगन में नहीं। घर के आंगन में इंसान बसते हैं, आदमखोर जानवर नहीं। ये लोग सुधरने वाले नहीं है। ये आपका विश्वास है और मेरा विश्वास यह है कि जब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है तो ये लोग क्यों नहीं बदल सकते? एक बात और डीआईजी जय सिंह राणा साहब, ये लोग मुझ पर गोली चलाए भी तो आपकी फौज गोली नहीं चलाएगी। शर्मा जी लाइए, लीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे मारने से अगर तुम्हारे बच्चों की भूख प्यास मिटती है तो चलाओ गोली, चलाओ। राजी, इसके हाथ में क्या है? कहीं गोला बारूद तो नहीं? पापू, तुम भी खा लो, तुम भी तो भूखे हो। क्या? अगर ये रोटी खाई तो सारी जिंदगी जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। सरकार ने मुझे वचन दिया है कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी अगर तुमने आत्मसमर्पण कर दिया था। तुम्हारा हुकूमत का पैगाम है तुम्हारे लिए राणा साहब। आजकल तुम्हारी हुकूमत पैगाम बहुत भेजती है, इनाम कम देती है। ओ, इस बार इनाम का रकम इतना ज्यादा है कि तुम गिनते गिनते थक जाएगा राणा साहिब। अच्छा? आईएसआई ने तुम्हारा स्विस बैंक का अकाउंट में 15 करोड़ रुपया जमा भी कर दिया है।
इश्क के चलने दे, जलती है जो ये दुनिया, दुनिया को जलने दे, अरे हाय गली इश्क के चलने दे। सरदार जी, दुकान में शराब पीना मना है। अच्छा, ले सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओए, तूने मेरे 250 रुपए गिरा दिया यार। ओए, धक्का तुमने दिया। ओए ओए, मैं तेरे को पछाणिया पछाणिया, तूने पहले भी मेरे को मारा था और तेरी वजह से मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, वन वे ट्रैफिक हो गई है और तू मार के सिग्नल तोड़ के भाग गया। ओए बिल्लो, ओ देख बिल्लो, मैंने पकड़ लिया इसको। ओए बिल्लो जल्दी आ जा, नहीं तो ये फिर मारेगा मेरे को। ओए बिल्लो, ये वही हथियार वाला है। हाय रे, मेरे फ्लेयर को मार के फिर मोया तेरा कुछ ना रे। ओ चुप कर ओए, गर्दन ठीक हो गई है, गर्दन ठीक हो गई है। ले छोटा खान, किधर से आ रहा है? भाईजान, वो शराब की। एक दिन तेरा ये शराब का आदत हम सबको खतरे में डाल देगा। ओए, कौन है तू? मुझे तुम्हारी तलाश थी और तुम्हें मेरी। मुझे असले की डिलीवरी चाहिए। ओ, तू है? पैसा कहाँ है? पैसा, सामान कहाँ है? पहला पैसा। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं पैसों के साथ तुम्हें यही मिलूंगा। हम इंतजार करेगा। तुम यहाँ? ओ, हमने सोचा कि इतना बड़ा बोझ तुम उठाएगा, तुम्हारा बाजू थक जाएगा। तुमने अभी तक मेरे बाजों की ताकत देखी कहाँ है? इस घोड़े के सामने तुम्हारा बाजू का ताकत बेकार है। ला बैग मुझे दे। ये क्या हो रहा है? अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई है, सुबह से आप लोग काम पे लगे हुए हैं। भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, सारा काम वक्त पर हो जाएगा। अरे जल्दी करो, जल्दी। हथियार चलाना तुम्हें कैसे आया? वो माँ जी की जान खतरे में थी। कौन हो तुम? आप तो जानते हैं मुझे। मैं वो जानना चाहता हूं जो तुमने मुझे बताया नहीं। आप ऐसी मुझ पे शक कर रहे हैं? ये रुपयों से भरा बैग और खून से लथपथ लाशें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि तुम भोले भाले इंसान नहीं हो, बल्कि एक मुजरिम हो, मुजरिम।
इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मांगेराम। जी साहब जी। जब तक मैं वापस ना आऊं इस पर कड़ी नजर रखना। जी साहब जी। और कोई भी अंदर ना जाए। जी साहब जी। कुछ लाशें भी गिरी हैं, तुम पुलिस और एम्बुलेंस लेकर फौरन यहां पहुंचो, बाकी मैं बाद में बताता हूं। नहीं माँ जी, हट जा मांगे। अगर मेरी दादी मुझे होती तो आप मुझे भी अंदर कर देते। नहीं हो सकता, एक मां की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। बोल मेरे बच्चे, बोल बेटे, कौन है तू? वही किया जो एक माँ को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। वो मुजरिम है, आतंकवादी, आतंकवादी है वो। हाँ हाँ, वो आतंकवादी है। जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ हुआ होता तो आपके हाथ में भी हथियार होता। आतंकवादी, कानून की नजरों में एक आतंकवादी बहुत बड़ा मुजरिम होता है, और उसी कानून की नजरों में उसे पनाह देने वाला उससे भी बड़ा मुजरिम होता है। अब आप मुझे ये बताइए एसीपी साहब कि कानून को आप जैसे मुजरिम के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए? डीआईजी साहब, मेरे बयान का एक एक लफ्ज गीता और रामायण की तरह पवित्र और सच है, और सच के सिवा कुछ नहीं है। अगर ये बात सच है तो मुझे आपके साथ साथ आपकी बीवी भी सलाखों के पीछे नजर आ रही है। एसीपी साहब, मैं आपको बचा लूंगा अगर आप मुझे सच सच बता दें कि आपके खानदान ने कितने पैसे में बेचा अपनी ईमान को। डीआईजी साहब, हमारा खानदान पैसों से नहीं बिकता, बल्कि प्यार से बिक जाता है। मेरी पत्नी को पूरा यकीन है यह बादल पैदाइशी आतंकवादी नहीं है। 1984 में पंजाब के गांव खेमकरण में एक पुलिस वाले ने उसके मां बाप और बहन को तमाम गांव वालों के साथ जिंदा जला दिया था, और वो लड़का भटक कर आतंकवादी बन गया। वो सुंदरनगर मासूमों की जान लेने के लिए नहीं आया है, उसे तलाश है तो सिर्फ उस पुलिस वाले की। ओह, आई सी। अब आपका क्या इरादा है? आप उस पुलिस वाले को गिरफ्तार करेंगे या उस आतंकवादी को? उस पुलिस वाले को तो सजा भगवान देगा, लेकिन इस आतंकवादी को सजा मैं दूंगा। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे पर नाकाबंदी कर दो, वो आतंकवादी किसी भी सूरत में भागने ना पाए, समझे? मार डालोगे उसे, पुलिस वाले हो ना, मार डालो। उसने मेरे विश्वास को धोखा दिया है सिमरन, मेरे भरोसे को तोड़ा है। आज के बाद इस दिल में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं। बादल भैया की शादी रानी से नहीं होगी दीदी।
बादल? बादल नहीं, टेररिस्ट। तुम्हें टेररिस्ट देखने का बहुत शौक था ना? देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो? मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। दरअसल पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा नाम राजवीर है, एक आतंकवादी। मैं सुंदरनगर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे उसे खत्म करना है जिसने मुझे आतंकवादी बनाया। इससे पहले कि पुलिस मुझे अपनी गोलियां का निशाना बना ले, मैं उसे मिटा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। और हमारा प्यार, हमारी जिंदगी, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा? मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा प्यार, सब कुछ मेरी मौत के साथ खामोश हो जाएगा क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद है इंतकाम, सिर्फ इंतकाम। और मैं कुछ नहीं। फिर हम लोग क्यों मिले? क्यों साथ में सपने देखे? Why? ये एक युद्ध की शुरुआत है। मेरी जिंदगी की उम्र किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकती है। मेरा साथ तुम्हारा कल नहीं, मेरा अंत मेरे सामने है। मुझसे दूर रहो। से, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूं। गोली चलाओगे मुझ पे? चलाओ गोली, come on, shoot me। मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं, तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है। तुम भी तो उसी परिवार का एक हिस्सा हो। जज्बातों की जंजीरें मेरे पैर पे मत डालिए एसीपी साहब। आज भी मेरी आंखों के सामने चिताएं चल रही हैं। जब तक मैं उस कमीने को आग में झोंक ना दूं, बात भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी साहब सिंह जी, वो एसीपी साहब केदारनाथ जी के यहाँ आए हुए हैं ना? जी मालूम नहीं, पर वो यहाँ से सीधा सर्किट हाउस जाएंगे। जी वहाँ पे डीआईजी साहब ठहरे हुए ना? जी साहब। सिमरन कहाँ है? सिमरन क्या हुआ बहन जी? सिमरन 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 सोनी प्रीति प्रीति सिमरन क्या हुआ? सिमरन क्या हुआ? अरे बोलती क्यों नहीं? सोनी कहाँ है? कमीना, जिसे अपनी बहन कहता था उसे ही अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खून के आंसू रोएगा वो, खून के आंसू। छोड़ देगा, लेकिन तब जब तुम हमारा एक काम करोगे। इस हिंदुस्तान की मिट्टी भी अजीब है। यहाँ के लोग मामूली से धागे के बंधन के लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार हो जाते हैं। खैर, जैसे ही वो सतप्रकाश को गोली मारे, हम उसे गोली मार देंगे। सरकार की नजरों में एक आतंकवादी मारा जाएगा,
और मुझे एक और बड़ा इनाम मिल जाएगा। आज का दिन सुंदरता नगर के लिए एक सुनहरा दिन है। पूरी एहतियात के साथ आज निकलो। अंदर रहेगा किसी महान सदर, हमारे देश के महान नेता, जिनके इस सब कर्मचारी हमारे बीच बना रहे हैं। मेरे पास वक्त ही वक्त है। क्या मतलब? जब तक मैं अपनी बहन से बात नहीं कर लेता, मैं सत्य प्रकाश को नहीं मारूंगा। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? बात करा अपने बाप से। राणा साहब बोलो। साहब ये कहला कि पहले अपनी बहन से बात करेगा फिर हमारा काम करेगा। बात कर अपने भाई से। सुनी भाई, मुझे बचा लो। तो फिकर मत कर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कुछ नहीं हो सकता। प्रताप सिंह, नॉर्थ जोन और साउथ जोन पर कड़ी नजर रखना। इस 15 अगस्त के दिन, इस आजादी के दिन हम स्वागत खाते हैं कि इस देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। ख्याल है कि आतंकवादी ये कोई गैर नहीं है, ये हमारे कोई अपने हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें सही रास्ते पर लाएं। अब आप लोग सब कहिए जय हिंद। Yeah.
अपने आप को कानून के हवाले कर दो बादल, इसे इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। जो काम तुमने किया है वो इस देश के सिपाही को करना चाहिए था। हमें गर्व है तुम पे। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हारे साथ एक पेशेवर मुजरिम की तरह सलूक ना करें।